रहता है जू, स्पष्ट वेदन रहता है कि नहीं रहता है? ज्ञान दर्शन की स्थिति वही की वही रहेगी, जो जो अज्ञान खत्म हो गया है वो रहती है वही रहे, केवल दर्शन की रहेगी। ओके बरोबर, लेकिन स्वामी जी उसको तो अपना स्पर्श वेदन तो होगा नहीं ना, वो तो अपना लास्ट बर्थ में रहेगा ना स्पर्श वेदन। हाँ बोलिए, स्पर्श वेदन स्वामी जी उसको लास्ट बर्थ में रहेगा ना, ये बहु, ये जिस जो भाव में उसका केवल दर्शन हुआ वो टाइम पे वो भाव में तो स्पर्श वेदन तो होगा नहीं ना स्वामी जी? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी भी उसका जो अस्पष्ट वेदन है वो ही चालू रहेगा उस। हाँ बोलिए, हाँ स्वामी शायद अपना मेरी आवाज शायद नहीं, आपका आवाज तो डिस्टर्ब है उसके थोड़ा। हाँ उसका जो अस्पष्ट वेदन है वो अस्पष्ट वेदन की उसकी स्थिति रहेगी जीव की। अस्पष्ट वेदन 360 इज इक्वल टू स्पष्ट दर्शन। हाँ ओके, अस्पष्ट दर्शन ओके, अस्पष्ट दर्शन मींस के अपना 360 डिग्री का अस्पष्ट वेदन इज इक्वल टू स्पष्ट दर्शन इज इक्वल टू 360 डिग्री केवल दर्शन। ओके ओके समझ। तो उसके पहले अज्ञान के पहले में अस्पष्ट वेदन है वो भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, मतलब हाँ। वो रेंज वाला है, वो लिमिटेड है। ओके तो स्वामी जी उसको जो भी एक ज्ञान दर्शन की जो अवस्था है हम लोग क्या उसको संवेदन बोल सकते हैं, कौन सा अपने वेदन बोल सकता है? क्योंकि ये स्वामी जी वेद अस्पष्ट वेदन है, स्पष्ट वेदन है, संवेदन है, तो उसमें स्वामी जी अपना जिसको स्पष्ट दर्शन नहीं हुआ है केवल दर्शन है उसके पहले वाले जो स्थिति है अपना जो वेदन हम लोग जो करते हैं ज्ञान दर्शन का, तो उसका वो जो वेदन है उसका क्या नाम रहेगा स्वामी जी? इसका नाम रहेगा अस्पष्ट दर्शन। अस्पष्ट दर्शन ओके ओके। अभी अभी सभी महात्माओं को हम सबको एक ही टाइटल लगता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल का अस्पष्ट दर्शन है, स्पष्ट हाँ। दर्शन ओके ओके सम, तो उसको अस्पष्ट दर्शन ही बोल सकते हैं, बराबर है स्वामी, राइट राइट ओके। अलग अलग लेवल अलग अलग हो सकता है मगर टाइटल एक ही लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन स्वामी जी अपना क्या नहीं, वो अपना क्या रहता है वो अपना थोड़ा दिमाग में नहीं बैठता है कि अपना स्पष्ट वेदन हो अस्पष्ट वेदन हो जाता है उसके बाद में वो जीव का ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं है वो भी नहीं है, तो वो अपना क्या करते होंगे उसकी एक्टिविटी या जो भी रहेगा अपना आत्मा में, आत्मा का भी वो स्थिर भी रहता है कैसा रहेगा वो अपना नॉट एबल टू विजुअलाइज। तो अनुभव दशा की बात है ना, जब अनुभव होगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि प्रतिष्ठित आत्मा अपने स्वभाव में रहेगा, 360 डिग्री से पहले प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ में रहता है, 360 के बाद वो स्वभाव में रहेगा और नेक्स्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा। ओके तो स्वामी जी नेक्स्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा का वो तो अपना वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो रहता है, लेकिन ये बहु में अपना ये केवल दर्शन के बाद प्रतिष्ठित आत्मा केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान के बाद भी होता है, इसको सब्जेक्ट मिलाने की क्या जरूरत है? ओके ओके हाँ ठीक है, तो स्वामी जी अपना मीन्स प्रतिष्ठित आत्मा अपना जब केवल दर्शन वो टाइम पे अपना प्रतिष्ठित आत्मा तो रहता ही है वो टाइम पे, मगर वो स्वभाव में रहेगा पुरुषार्थ में नहीं रहेगा। ओके ओके ठीक है, तो प्रतिष्ठित आत्मा तो वो टाइम पे अपना रहता है भी है। ओके ओके स्वामी ठीक है, स्वामी जय सच्चिदानंद स्वामी जी। यस नेक्स्ट प्लीज कमलेश बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अच्छा एक प्रश्न है कि व्यवहार जगत जिसको कि आप बता रहे हैं कि पूर्ण कुदरती रचना है, ये तीन इसमें आप बताते हैं कुदरत कानून और रचना तीन पार्ट में,
लेकिन विवाद सत्य में कभी रहते हुए कभी कोई डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेने, जहां पर एक ऐसी जगह पे खड़े होते हैं कि इधर या उधर, तो यहाँ पे तुम्हारे पर, तो फिर उस टाइम पे क्या करें? क्योंकि कभी ऐसा भ्रम उठता रहता है बीच बीच में मन में कि तुम्हारे द्वारा कि हमने जो निर्णय लिया लाइफ में जो भी, तो उसकी वजह से पूरी लाइफ ही बदल जाती है, तो गलत ही रहा पूरा वो निर्णय लेना। तो यहाँ पे किस तरह से निर्णय लिया जा सकता है, मतलब यहाँ पे क्या करें, कैसे डिसीजन ले उस बात की वार जगत में? हाँ जी जी, सिंपल बात है कि आपके पास डिसीजन लेने के फ्रीडम इस लाइफ में नहीं है। इस लाइफ के लिए आपको कुछ भी प्रकार का, इस लाइफ के लिए बिल्कुल गौर से सुनो, कंफ्यूजन मत करो, मैं नेक्स्ट लाइफ की बात नहीं करता हूँ। इस लाइफ के लिए कोई भी प्रकार का डिसीजन लेने के फ्रीडम कुदरत ने न राम कृष्ण महावीर को दिया है, न हम सबको दिया है। अच्छा, जो होने वाला होगा वही डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, चाहे उसमें बेनिफिट है या लॉस है। अच्छा, तो ये होने वाली बात होती है, ये उसको कहते हैं कुदरती रचना, और दादा भगवान ने इसको कहा व्यवस्थित शक्ति। अच्छा, तो ये बीच में भरम उठता है इस बात को लेके, तो वो एकदम से रॉन्ग है फिर तो, ये बात एकदम से असत्य साबित हो गई फिर तो ये, क्योंकि होने वाली बात ही हुई है जिसको कि आप व्यवस्थित बता रहे हैं, तो ये तो होने वाली बात हुई है फिर तो, सब ठीक ही हुआ। तो ये जो खड़ा होता है जो भरम, इसको खत्म करने का है ये, क्योंकि या तो इसको समझा नहीं अभी इस बात को। हाँ, कि अध्यात्म विज्ञान में यही समझाने की कोशिश किया है बार बार सबको, कि मन चिन काया की बाबत में डीप में मत जाओ, उसमें ऊंडा उतरने की कोशिश मत करो, इससे सिर्फ मुक्त रहने की ही कोशिश करो, क्योंकि मन वचन काया का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। वो मैंने कितनी बार कहा है, हाँ बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, तीनों ही कुदरत है। एक मिनट, तो मन वचन काया तीनों ही कुदरती रचना में आ गए, फिर आपके माइंड जो कुछ भी सोचेगा इसका कंट्रोलर कौन होगा? कुदरत। तो फिर आपको सोचने की फ्रीडम है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उसको इससे मुक्त रहने का है, जो भी माइंड में उठता है इससे मुक्त रहना है हमको खाली। तो मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ बिल्कुल मिल गया स्वामी जी। हाँ, बात ये समझ में आई तो ठीक है। और एक और है, ये मेरे को ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये रहा स्वामी जी, ये एक मैंने पढ़ा, एक ये काराग्रह, काराग्रह तो छीन ही लेता है आकाश में उड़ने की क्षमता, घर की सुख समृद्धि भी छीन लेती है, सुरक्षा भी छीन लेती है, तो असली सवाल ना तो घर का है और ना काराग्रह का है, असली सवाल तुम्हारा है। तुम अगर काराग्रह में भी दृष्टा बने रहो तो तुम मुक्त हो, और तुम घर में भी अगर दृष्टा न रहो तो भोक्ता हो जाओ तो बंद गए। इसका स्टेटमेंट है ये स्वामी जी, ओशो का पढ़ा था मैंने। दादा भगवान का नहीं है, ओशो। अच्छी बात बताने की कोशिश किया है, फाइव वंडरफुल स्टेटमेंट। उन्होंने ये कहा है कि देखो, बंधन या मुक्ति वो दृष्टि का सब्जेक्ट है, वो सर्कमस्टेंसेस का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, क्या बताया मैंने? बंधन और मुक्ति का सब्जेक्ट है, सर्कमस्टेंसेस का सब्जेक्ट नहीं है। चाहे प्रकृति जेल में है या महल में है, मगर आपकी दृष्टि के आधार से ही
मैल में भी आपको बंधन का अनुभव हो सकता है और जेल में भी मुक्ति का अनुभव हो सकता है, डिपेंड ऑन योर विजन। विजन करेक्ट करेक्ट 100%। सारा दृष्टि की बात है सारी, कारागृह में हो तो भी मुक्त हो अगर तुम्हारी दृष्टि विजन वो वाला है, और घर में भी अगर तुम भोक्ता बने हुए कि तुम हो भोगने वाले, तुमको आ रहा है ये सब कुछ, तो तुम वो बंधन में ही हो। तो ये सारी दृष्टि का विषय है ये सारा। जी स्वामी जी, हाँ जी स्वामी जी, क्लियर हो गया मेरे को यहाँ। ठीक है स्वामी जी। जय जय सीताराम स्वामी जी। हाँ, जैसे कि सभी ज्ञानी ऐसे भूल के गए हैं कि हमको प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद, आवाज आ रही है ना स्वामी जी? जैसे कि सभी का जो हो गए ज्ञानी, वो सभी भूल के गए हैं कि हमें प्रेजेंट में रहना है, आज में रहना है। बरोबर है स्वामी जी? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जितना भी ये साइंटिफिक विजन हम इस्तेमाल करेंगे, उसका यूज करेंगे, तो एक ना एक दिन ये दशा आकर रहने वाली है। बराबर है मेरी समझ स्वामी जी? अगर हमारे दृष्टि में ज्ञान और दर्शन शुद्ध है, तो एक दिन अपनी प्रकृति से 100% मुक्त रहने की अनुभूति कर सकते हैं। अभी ग्रेजुअली करते हैं, अगर एक दिन ऐसा आएगा, यू फॉलो द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल साइंस ऑन अ बेस ऑफ लॉ, एक दिन आप अपने मन वचन काया से 100% मुक्तता की अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो मुक्त है ही, मगर दृष्टि के आधार से, जो दृष्टि में अज्ञान लेकर आए उसके आधार से हम बार बार इसमें जुड़ जाते थे। अभी मालूम हुआ कि प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जन्म से मौत तक कुदरत ही है। तो हम तो कुदरत है नहीं और हम नहीं प्रकृति है, हमको प्रकृति में होने की क्या जरूरत है? और यही एक दिन आपको मुक्तता की अनुभूति कराएगा। अच्छा, और एक स्वामी जी आप कहिए, कुछ कहना चाहते थे आप? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यही हमारे मुक्ति का मार्ग है कि किस भी कैसे भी करके हम ये विज्ञान को अपनी दृष्टि में आत्मसात करें, अपने शुद्धात्मा पद में स्थिर रहे और मन वचन काया और पांच इंद्रियों से अनुभव में आती समग्र सृष्टि को अगर हम 100% या तो मैक्सिमम कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, तो मुक्तता की अनुभूति होना उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ही नहीं है, सही बात है स्वामी जी। और जैसे कि ऐसे बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा आगे जाके क्या होगा, हमें ज्ञानी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं स्वामी जी। तो वो कहीं ना पता नहीं, ऐसे क्वेश्चंस कभी होते ही नहीं अंदर, ऐसे लगता है कि नहीं अभी तो आगे ही बढ़ना है। तो ये क्या है, कुछ प्रमाद जैसा तो नहीं है ना स्वामी जी? ऐसा नहीं, कभी क्वेश्चन ही नहीं होता है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगों की प्राप्ति जो है उसमें अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्रत्येक अवतार में प्राप्त होगा या तो मिले, यही भावना उसमें समा जाती है। अच्छा, ठीक है, बराबर है। अज्ञान को नाश करके अपनी दृष्टि में ये आध्यात्म विज्ञान को, सनातन सत्य को और कुदरती कानून को परिपक्व करना है, उपयोग के साथ, अनुभव के साथ, और यही हमारा विजन होना चाहिए। हाँ, बस वो ही रहता है कि बस कैसे अज्ञान का नाश किया जाए, और कुछ नहीं आता है ऐसे दृष्टि में, वैसे ही रहता है। तो बस यही क्लियर करना था स्वामी जी। डिस्कशन में ऐसा हुआ कि कर्म क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा। तो कर्म हम डेफिनेशन के माध्यम से संक्षिप्त में, शॉर्ट फॉर्म में, कर्म क्या है
कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा, हमको पता नहीं चला कैसे एक्सप्लेन करने का, तो हम आपको पूछ ले, ऐसे डिसीजन किया हम लोगों ने कर्म को डिफाइन कैसे कर सकते। कर्म इज इक्वल टू सफरिंग, कर्म इज इक्वल टू सफरिंग, यू हैव टू सफर व्हेन यू क्रिएट द कर्म, सो द कर्म इज कनेक्टेड विद द सफरिंग, इट इज मस्ट एंड नो ऑप्शन, बट ये जो कर्म है वो कर्म दो प्रकार के हैं, एक संसार बढ़ाने का कर्म है और दूसरा संसार को समाप्त करने का कर्म है, ये दोनों प्रकार के कर्म है, वो प्रतिष्ठित आत्मा ही करता है, और जो भी कर्म करोगे इसका फल कुदरत अवश्य आपको देगी, चाहे संसार के लिए लायक और सहायक कर्मों का फल भी कुदरत देगी, और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्मों का फल भी कुदरत ही देगी। In short, karma is equal to suffering. Suffering, good or bad. In short, का मतलब होता है karma is equal to suffering. अगर आपने कर्म किया है, भुगतान करनी ही पड़ेगी। अगर good or bad. सही, ठीक है समझे। और दूसरा है, अभी देवी देवता वो है, वो मनुष्य से ही अच्छे पुण्य किया है इसलिए वो देव गति मिल गया है, लेकिन उनका मोक्ष नहीं हुआ है, वो मोक्ष के लिए फिर से मनुष्य गति में आके ही मोक्ष के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करने का है। तो ऐसे स्थिति में हम मोक्ष के लिए उनको प्रार्थना करने, मोक्ष के लिए सहायक करने के लिए हम उनको प्रार्थना क्यों करते हैं, ऐसा भी एक क्वेश्चन हमारा कल ऐसा उठा डिस्कशन में। तो बताऊंगा आपको, देवी देवताओं में टू कैटेगरीज है, वन कैटेगरी इज वितराग शासन देवी देवता, अदर वन इज निष्पक्षपाती शासन देवी देवता। वितराग देवी देवता है वो मोक्ष मार्ग के लिए सहायक होते हैं, और निष्पक्षपाती है वो संसार में सहायक है, जैसे भौतिक ज्ञान चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स है, और कोई सारा फिजिकल इकोनॉमिकल सोशल प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निष्पक्षपाती देवी देवता लाते हैं। और जो वितराग शासन देवी देवता है वो मोक्ष मार्ग में सहायक होते हैं, उनका रोल ही यही है, और वो देवी देवता भी उनको सम्यक ज्ञान होने के बाद वहां गए हैं, इसको संकितधारी देवी देवता बोलते हैं। क्या कहते हैं? संकितधारी देवी देवता। हालांकि वहां संकित का रोल नहीं है, संकेत का यूज नहीं कर सकते, यहाँ से संकेत प्राप्त करके पुरुषार्थ करके जो पुण्य उपार्जन किया है इसीलिए वो वहां गए हैं। और ज्यादातर जो संकेतधारी देवी देवता है जिसको हम प्रार्थना करते हैं वो ज्यादातर तीर्थंकर के ही रक्षक देवी देवता होते हैं, जैसे पद्मावती कहो या चकेश्वरी कहो, ये तीर्थंकर के रक्षक देवी देवता है, यानी वितराग देवी देवता है। तो हम इसी को ही प्रार्थना करते हैं, वो भी मोक्ष मार्ग के लिए, आप समझे? वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो प्रार्थना करने का मतलब ये है कि हम अपना इंटेंशन उनके सामने जाहिर करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ अवर प्योर सोल। सोल को तो प्रार्थना करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि सोल तो खुद ही अविनाशी है, चेतन है, और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला वो है, तो उनको तो प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है, करेक्ट?
मगर प्रार्थना की आवश्यकता किसको है? प्रतिष्ठित आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट या तो संसार के लिए अनुकूलता चाहिए या तो मुक्ति के लिए अनुकूलता चाहिए। अभी आपने देखा किया कि मुक्ति के लिए अनुकूलता का मतलब क्या है, कौन से प्रकार के मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक वो सहायक बनते हैं। तो हम अध्यात्म के मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे अपने जीवन में जो कर्म के फल के स्वरूप जो परिस्थिति आएगी वो तो भुगतान करनी ही पड़ेगी। मगर उस भुगतान के अंदर आपको अंदर इतनी स्थिरता रहती है कि वो भुगतान भुगतान नहीं लगती है। तो वो सहाय क्या करते हैं, हमको सहाय क्या करते हैं, या तो किस प्रकार की वो सहाय करते हैं कि हम अपने आप में स्थिर रह सकते हैं। जो ज्ञान दर्शन के उपयोग से स्थिर रह सकते हैं वो सहाय से भी स्थिर रह सकते हैं। आप समझे? वो ज्ञान दर्शन तो अंदर से हम हमको स्ट्रॉन्ग बनाते कैसे? नहीं, वो तो प्रोग्रेस करने में तो सहायक बनता है, समझो। मैं आपको रिलेटिव सत्य का एग्जांपल दूंगा तो आपको सेट होगा जल्दी, ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा देख लेंगे। जैसे मैं अपने ही पुण्य के हिसाब से मैं कोई देवी देवताओं को प्रार्थना करता हूँ कि मैं इकोनॉमिकली आई एम अ पुअर, सो प्लीज हेल्प मी, राइट? अभी मेरा पुण्य है तो देवी देवता मेरे को हेल्प कर सकते हैं। वो निमित्त बनते हैं, क्या बनते हैं? निमित्त बनते हैं। वो स्वतंत्र नहीं है, वो कुदरती कानून के बियॉन्ड नहीं है, कोई भी देवी देवता नहीं है। मेरी प्रार्थना से वो मेरे को हेल्प करते हैं और मेरी क्रेडिट के मुताबिक मेरे को फल मिलता है, तो वो निमित्त बनते हैं, क्या बनते हैं? निमित्त बनते हैं। ऐसे वो संसार में निमित्त बनते हैं हेल्प के लिए, ऐसे वो अध्यात्म में बनते हैं। वहां भी हमारा अगर क्रेडिट है मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग होगा तो ही वो हेल्प करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, क्या नहीं है? फ्रीडम नहीं है। तो इसीलिए हमारा काम प्रार्थना करना है और कुदरत का काम फल देने का मीडियम पूरा करना है, माध्यम पूरा करते हैं, माध्यम देते हैं। वो जो हम प्रार्थना करते हैं जो वो जो हम प्रार्थना करते हैं को भी देवी देवता को, वो इस लाइफ के लिए होता है कि वो डिस्चार्ज में ही होता है, वो नेक्स्ट लाइफ के लिए नहीं होता है, ऐसा है? गुड क्वेश्चन, बताओ। 99% जो क्वेश्चन संसार के लिए लायक और सहायक होते हैं ये दिस बर्थ का होता है। और जो लोग मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग की प्रार्थना करते हैं वो नेक्स्ट बर्थ के लिए है, या तो आगे बर्थ के लिए। ऐसा है कि स्वामी जी, हमारे आत्मा अनंत शक्ति वाला है, तो हम आत्मा को ही प्रार्थना करके नेक्स्ट लाइफ के लिए मोक्ष के लायक सहायक संजोग मांग सकते हैं, तो हम देवी देवताओं को ही मांगने की जरूरत है कि नहीं? बराबर है, या अभी उत्तर दूं मैं आपको। देखो, आत्मा की हाजिरी से कर्म बनते हैं, जिस कर्म का फल हमको कुदरत देती है, बराबर है? बराबर है ना? हाँ। आपको सुनाई देता है कि नहीं? सुनाई देता है स्वामी जी, सुनाई देता है। ओके। तो आत्मा खुद तो प्रार्थना नहीं करेगा, आत्मा खुद तो कर्म नहीं करेगा, और आत्मा को कर्म की भुगतान भी नहीं करनी है।
उतना ही करना पड़ेगा। उनकी हाजिरी से, उनकी हाजिरी से ही आप प्रार्थना करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सोल वी डू द प्रेयर विथ देवी देवतास फॉर अवर रिलेटिव्स एंड मुक्ति के मार्ग की हेल्प, जो भी चाहिए हम कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोल। आत्मा के बिना तो प्रार्थना संभव है ही नहीं। नहीं, हम आत्मा को ही, अनंत शक्ति वाला है तो हम आत्मा को ही मांग सकते हैं, आत्मा से ही शक्ति मांग सकते हैं ना स्वामी जी। हाँ, वो शक्ति आत्मा से शक्ति मांगना मतलब होता है कि कोई भी भावना हम बिना आत्मा तो नहीं कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि चार्ज करने वाला ही आत्मा का पावर है। कोई भी कर्म को चार्ज करना है तो पावर किसका है? आत्मा का है। भाव हमारा, इंटेंशन हमारा है, मगर पावर किसका है? आत्मा का है। तभी तो हमको कुदरत उठकर जल देते हैं। तो आत्मा के पास जो शक्ति मांगते हैं, वो आत्मा के पास तो आप शक्ति मांग सकते हैं, मगर आत्मा डायरेक्ट देने वाला नहीं है। वो भी गॉड एंड गॉडेसेस के आधार से हमको मिलेगा। हाँ, लेकिन हमको ऐसे पर्टिकुलर देवी देवताओं से ही मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा इंटेंशन है, भाव है मोक्ष के लिए, संयोग तो आप को रेड करेगी। ऐसा है कि हम एक देवी देवता, डायरेक्ट कोई देवी देवता के नाम के बिना भी परमात्मा को प्रार्थना करें कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, मेरा शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन हर अवस्था में हाजिर रहे, ऐसे आप मेरे को शक्ति, हर अवस्था में संभाव में रहो, ऐसे आप मेरे को शक्ति प्रदान कर रहे परमात्मा, ऐसी आप प्रार्थना कर सकते हैं। नथिंग ओके। और एक और समझिए, प्रतिष्ठित आत्मा जो हम नरक में या देवगति में या पशु गति में इनएक्टिव है, वो इनएक्टिव होने के लिए क्या वो दृढ़ काम कर रिपीट कीजिए जी। एक प्रश्न छे, कर्म आपने जो अभी कर्म की जो डेफिनेशन दी, कर्म इज इक्वल टू सफरिंग, तो क्या लाइव प्रतिष्ठित सफरिंग हो सकता है? ना, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो सफरिंग क्रिएट करने का काम करते हैं। इसी को कहते हैं कर्म। अगर प्रतिष्ठित आत्मा कर्म नहीं करेगा तो सफरिंग नहीं होगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सफरिंग वर्ड डिस्चार्ज ईगो से कनेक्टेड लगता है स्वामी, इसके लिए ये प्रश्न पूछा। कर्म, आप कर्म शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर्म की परिभाषा क्या बताऊंगे? हम कर्म की परिभाषा जानना चाहते हैं, कर्म कैसे बनते हैं वो प्रोसेस नहीं जानना चाहते हैं। आप समझे? अच्छा, यहाँ कर्म बनाने की प्रक्रिया का प्रश्न नहीं है। कर्म किसको कहते हैं? कोई कहते हैं कर्म, तो कर्म किसको, कर्म कैसे बनते हैं वो प्रश्न नहीं है। कर्म को क्या कहेंगे? कर्म इज इक्वल टू सफरिंग एंड नॉन कर्म इज इक्वल टू मोक्ष। ओके, यस और नो? हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब सफरिंग वर्ड हम यूज करते हैं ना, तो वो भाव जो कर्म के रिलेटेड जो भाव है वो साइलेंट हो जाता, क्योंकि हम समझते हैं कि हाँ बा कर्म इज इक्वल टू आप कर्म की परिभाषा का मतलब क्या है कि कर्म कैसे बनते हैं तो भाव शब्द को लाने की जरूरत है। ये प्रोसेस की बात नहीं करते हैं। कर्म का मीनिंग पूछा उन्होंने, कर्म कैसे बनते हैं वो प्रोसेस नहीं किया, वो प्रश्न नहीं किया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। नहीं, कर्म कैसे बनते हैं तो उसमें तो भाव की पुष्टि चाहिए। भाव आएगा
डेवलपमेंट आएगा, वर्तमान संजोग आएंगे, वर्तमान ज्ञान आएगा, इंटेंशन आएगा, सब कुछ आएगा, देन यू क्रिएट द न्यू कॉज। जी जी, क्योंकि जी जी, क्योंकि हमने जब आध्यात्मिक की बात करते तो हम हमारे पास लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है कर्म और कर्मफल की, इसके लिए एक सफरिंग से वर्ड कंफ्यूजिंग लगा, इसके लिए पूछा। समझ गया, कर्म और कर्मफल। तो कहने का मतलब, कर्म का मतलब होता है यू हैव टू सफर इन टर्म्स ऑफ रीजन। यस, अगर आपसे कोई रिजल्ट आएगा ही, तो कर्म का मतलब क्या है कि कर्म का मतलब जिसका रिजल्ट आने वाला है वो कर्म। जी जी, ओके, फिर कर्म कैसे बनते हैं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। जय सचित, जय सचित। भारती बेन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मुझे पूछने का है कि कर्म, कर्म फल और कर्म परिणाम के एग्जांपल देके समझाइए ना, कर्म, कर्म फल और कर्म परिणाम। फल वही तो परिणाम है, कर्म और कर्म फल दो ही बात होती है। कर्म और कर्म फल, फल कोई तो परिणाम बोलते हैं ना, फल का मतलब ही परिणाम। अगर हमारा ये जीवन है वो क्या है, पिछले अवतार के कर्मों का फल है, फल का मतलब परिणाम है। पूरा लाइफ हम जो भुगतान करते हैं पाप पुण्य की, वो क्या है, वो कर्म फल है, फल का मतलब परिणाम है, मतलब भुगतान। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आवाज, आवाज। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी आप, हाँ जी, हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अभी आपने प्रेयर की बात करी, प्रेयर की बात, जैसे वो अगर इसी संसार से कनेक्टेड है प्रेयर, तो और एक आत्मा मतलब दूसरे उसके लिए मोक्ष मार्ग के लायक वो प्रेयर है, तो वो तो नेक्स्ट भव के लिए होगी, और ये जो प्रेजेंट की है ये तो अभी की है। तो लेकिन अगर वो मेरी प्रेयर जो संसार लक्ष्य भी है, तो क्या वो चार्जिंग नहीं है वो? क्योंकि अगर वो पूरी नहीं होती है तो क्या वो चार्जिंग के लिए में चली जाती है वो प्रेयर का जो भाव है मेरा प्रेयर का, वो चार्जिंग में जाती है? ये बात ये है कि अगर आप संसारिक प्रार्थना या भावना करोगे, वो प्रार्थना भावना खुद ही डिस्चार्ज, और इट इज रिलेटेड विद दिस वर्ल्ड। अच्छा, वो खुद ही डिस्चार्ज है। अच्छा, मैंने मैंने मेरे प्रिंसिपल या सिद्धांत में कहा है, हाँ, जो भाव या प्रार्थना इस भाव के साथ जुड़ी है, वो सब, हाँ, भाव, प्रार्थना और परिणाम तीनों डिस्चार्ज है। अच्छा, तीनों डिस्चार्ज है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो मतलब चार्जिंग का नहीं है कि नेक्स्ट वर्क के लिए? हाँ हाँ, आपने बताया, आपने ठीक है, बहुत बार दिया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो और स्वामी जी, ये जो नर्क के जीव होते हैं और जो देवलोक के होते हैं, जो देवलोक में होते हैं, तो उनको जातीय स्मरण ज्ञान होता है, तो जातीय स्मरण ज्ञान का को क्या मतलब, इसका क्या डेफिनेशन, इसको कैसे समझे, जातीय स्मरण ज्ञान का मतलब क्या है? पिछले अवतार में जो पाप किया है वो पाप का ये भुगतान कर रहा हूँ, ये जातीय स्मरण ज्ञान, वो नर गति में भी होता है और देवलोक में भी होता है। हाँ। देवलोक में जो किया है उसका फल है, नरक लोक में जो पाप किया है उसका फल है। तो वो भुगतान करते समय मालूम है कि ये पाप किया था इसका फल है, ये पाप किया था उसका फल है। आप समझे? तो वो तो पिछले अवतार में पाप किया ना, पिछले अवतार का जो है, पिछले जन्म का वो नजर आता उनको। तो ये जो हमने जातीय स्मरण ज्ञान बताया, जातीय स्मरण ज्ञान का मतलब ही पिछला अवतार को देखना इज इक्वल टू जातीय स्मरण ज्ञान। अच्छा अच्छा। और अवधि ज्ञान, अवधि, श्रीमद राजचंद्र बहुत छोटी उम्र में
आपको 900 भाव लिखे थे, पिछले 900 भाव अपना। अच्छा, इसको जातीय स्मरण ज्ञान वो टाइटल लगता है। अच्छा, अभी आपका तो ये मतलब जो दिखते हैं, हाँ जी, अवधि ज्ञान का मतलब है आपको अभी ही आपके ज्ञान की स्ट्रेंथ के मुताबिक, रेडियस के मुताबिक, बिना आंखें खोले भी आप दुनिया को अपने आप स्वयं भू देख सकते हैं। सो रेंज ऑफ, रेंज का मतलब होता है अवध, लिमिट, इसको कहते हैं अवधि ज्ञान। वो एट ए टाइम देखता है, क्या देखता है, नॉट फॉर प्रीवियस प्रेजेंट में। अच्छा अच्छा अच्छा, एट ए टाइम विजन। अच्छा, तो ये जो उनको 900 भाव दिखते हैं, आपने बताया जैसे श्रीमद राजचंद्र जी को दिखा 900 भाव दिखा, तो क्या उनकी डेवलपमेंट थी इतनी, किस तरह से दिखते हैं, क्या मतलब उस वहां तक ऊपर तक चले गए थे वो, मतलब डेवलपमेंट उनकी हो चुकी थी तब दिखता है, ये किस तरह से दिखता है, ये जन्म पिछले कैसे दिखने शुरू हो जाते हैं? नहीं है, ये तो आपका उदय कर्म होगा तो ही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी। उदय कर्म है ये महाभारत। अच्छा। महाभारत के अंदर जो संजय को ज्ञान था वो ज्ञान अवधि ज्ञान था। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन महाभारत में हमने सुना कि दिव्य दृष्टि। हाँ, तो शास्त्रों में तो ऐसा लिखेंगे, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। हाँ, तो स्पिरिचुअल हाँ, में लगती है, भौतिक में थोड़ी लगती है, नहीं लगती, आत्मा की अनुभूति उसको ये हमको। अच्छा, हमको 50-100-200 माइल का दिखेगा, वो दिव्य दृष्टि थोड़ी है। हाँ, वो दृष्टि मेरी पावरफुल जरूर है, मगर वो दिव्य नहीं, जिसमें सोल की बात नहीं होती है, जिसमें सनातन सत्य की बात नहीं होती है, इसको दिव्य शब्द लागू नहीं होता है। ठीक ठीक, ओके, ठीक। का मतलब होता है डिवाइन, डिवाइन, डिवाइन। हाँ हाँ हाँ, उसको महाभारत में युद्ध दिखा, वो डिवाइन का मतलब ही क्या है? कोई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अवधि ज्ञान बोल सकते हैं, डिवाइन नहीं, दिव्य नहीं बोल सकते। कृष्ण भगवान को दिव्य ज्ञान को बोल सकते हैं, जो कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को जो गीता गीता के माध्यम मतलब जो उपदेश दिया, जिसको हम गीता के नाम से जानते हैं, वो उसको दिव्य दृष्टि बोल सकते हैं। दिव्य दृष्टि कहो, दिव्य ज्ञान कहो, दिव्य उपदेश कहो, क्योंकि उसमें आत्मा की बात है और सनातन सत्य की बात है। जी जी, क्लियरिटी होनी चाहिए हमें, अब समझ आया, आज बड़े अच्छे से समझ आया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपणे जे સુદાબેને આપણે ઇનિશિયેટ બહુ સારું કર્યું છે કર્મને એના માટે હિન્દી પ્લીઝ સોરી 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 હા ઓ સ્વામી જી અપના કર્મ કે લિયે સ્વામી જી આપને વો કર્મ આપને જે બોલે સફરિંગ સફરિંગ માને આપને કોઈ એ સમજના હે વેદનીય કર્મ જો હે વો વો સમજના હે સ્વામી જી क्यों आप अपने अपनी दृष्टि को बहुत छोटी कर देते हैं? क्या नाम कर्म वो कर्म नहीं है? नहीं, वही बोलता हूँ ना, वही भी तो कर्म है ना स्वामी जी। वही अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ, नाम कर्म वो कर्म नहीं है, गोत्र कर्म कर्म नहीं है, वेद्य कर्म कर्म नहीं है, आयुष्य कर्म कर्म नहीं है, तो आपने एक को बताया सिर्फ। नहीं नहीं, अपना क्योंकि बेसिकली स्वामी जी वेदनीय कर्म हम लोग सफरिंग को जो है ना, वेदनीय कर्म में अपना जो सफरिंग वाले जो है ना, नॉर्मली हम लोग वेदनीय कर्मों को हम लोग बोलते हैं, इसलिए अपने जनरल टर्म में स्वामी जी।
अगर नाम कर्म को वेदनीय कर्म बताते हैं तो फिर गोत्र कर्म को भी वेदनीय बताते हैं और वेदनीय कर्मों को भी वेदनीय कर्म बताते हैं और आयुष्य कर्म को भी वेदनीय कर्म बताते हैं। ये वेदनीय कर्म जो है वो वेदनीय कर्म पर्टिकुलर बताया मगर उसमें नाम कर्म गोत्र कर्म आयुष्य कर्म तीनों जुड़ गए। ओके अगर आयुष्य कर्म नहीं होता तो क्या वेदनीय कर्म होता? अगर नाम कर्म नहीं होता तो क्या वेदनीय कर्म होता? तुम्हारा नाम ही नहीं होता, हाउ यू कैन सफर गुड एंड बैड? ओके राइट। ओनरशिप ओवरशिप विदाउट नेम इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है स्वामी जी। हाँ इट इज कोरिलेटेड। नाउ यू अंडरस्टैंड? बरोबर है स्वामी, क्योंकि ये अपना थोड़ा ये एक नई विजन मिले, पहले अपने ऐसा कुछ मालूम नहीं था स्वामी जी। तो चारों कर्मों को सफरिंग ही बोलते हैं, चाहे वो नाम कर्म है, चाहे पुत्र कर्म है, चाहे वेदनीय कर्म है, चाहे आयुष्य कर्म है। चारों प्रकार के कर्मों को हम कर्म इज इक्वल टू सफरिंग बोलेंगे। ओके ओके राइट। और स्वामी जी अपना ये घाती कर्म जो है, घाती कर्म है तो उसको भी अपना सफरिंग, क्योंकि वो खाली उसका रीजन है अपना अघाती के लिए, इसलिए हम लोग उसको घाती कर्म बोलते हैं, उसको सफरिंग बोलते हैं स्वामी जी। ना वो घाती की प्रश्न पूछ, घाती का प्रश्न करते हो या अघाती का? हाँ सॉरी स्वामी जी, आपका थोड़ा अपना क्लियर नहीं आ रही। प्रश्न किसका करते हो, घाती कर्म या अघाती कर्म? नहीं नहीं क्योंकि हम तो डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं नहीं अघाती कर्म, नहीं नहीं वही है। नहीं नहीं आपने बोला अपने स्वामी जी कर्म की डेफिनेशन क्या है, तो कर्म की डेफिनेशन में घाती और अघाती दोनों कर्म आ गए ना स्वामी जी। बताओ घाती कर्म, घाती कर्म है वो अघाती कर्मों का क्रिएट करने की क्रिया और घाती कर्म का दूसरा नाम है अज्ञान। और अघाती कर्म का दूसरा नाम है सफरिंग। ओके राइट। तो उसके लिए अपना जो अपना मूल है, अपना वो घाती कर्म मूल है और ये अपना उसका परिणाम है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्वामी जी। अज्ञान नहीं होगा तो कर्म नहीं बनेगा, तो भुगतान नहीं आएगा। हाँ हाँ बराबर है स्वामी जी, अपना मूल है इसलिए अपना जिस वो हम लोग कर सकते हैं, ये अपना ब्रॉडली हम लोग बोल सकते हैं अपना वो अपना रीजन, ये अपना कोज है घाती कर्म और अपना अघाती कर्म उसका इफेक्ट है, जनरल ब्रॉड सेंस में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। Yes. स्वामी जी और स्वामी yes. अपना दूसरा जो अपना पूछा था देवी देवियों जो अपने को हेल्प करते हैं उसके लिए, तो स्वामी जी वो भी अब कुदरत के कानून के ऊपर नहीं है, तो स्वामी जी उसको अपना हेल्प करते हैं कि वो अपना ठीक है अपना वो हेल्प करते हैं, लेकिन हेल्प करते हैं लेकिन अपना जब भी उदय होगा वही टाइम पे उसके उदय रहेगा, उस समय के पहले तो अपना नहीं कर सकते स्वामी जी। बरोबर, तो स्वामी जी वो ना हेल्प कैसे करते हैं, उदय के पहले भी नहीं कर सकते, उदय के बाद भी नहीं कर सकते हैं, तो उसका पर्टिकुलर हेल्प कैसे करते हैं स्वामी जी? वो हेल्प करते हैं बरोबर, लेकिन कैसे करते हैं वो अपना थोड़ा अपना डिटेल में स्वामी जी पूछ रहा था मैं। वो टाइमिंग, लेकिन टाइमिंग तो स्वामी जी अपना वो उसको प्रिपोन कर सकते हैं स्वामी जी अपना उसको, राइट है स्वामी? उदय समय उदय केवल ज्ञानी जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते हैं। हाँ। और नहीं जान सकते उसके लिए तो हम प्रेयर करते हैं। हाँ। नहीं नहीं बरोबर, हमारा काम प्रेयर करना है, रिजल्ट देना है, हमको नहीं मालूम कब रिजल्ट देगा मगर हाँ। हमको प्रेयर करने का जैसे तो भाव करने का अधिकार है वैसे प्रेयर करने का अधिकार है। प्रेयर इज कन्वर्ट इन अ भाव, इफ द रिजल्ट इज नॉट कमिंग। नहीं वो स्वामी जी ठीक है चल अपना स्वामी जी वो बरोबर है, लेकिन अपना जो सिद्धांत के हिसाब से हम लोग जो बोलते हैं जो अपना जो उदय कर्म उदय का जो समय है, समय के पहले होता है नहीं है समय अपना उसका स्वामी। चलो ज्ञानी अपना हम लोग केवल का नहीं, लेकिन अपना सिद्धांत को हम लोग अप्लाई करेंगे तो सिद्धांत के हिसाब से अपना वो समय के पहले तो अपना हो नहीं सकता है स्वामी जी वो उसका। आपने वो आपने जो स्टेटमेंट किया कि अपने समय से पहले और समय के बाद नहीं होता है,
ये आपने स्टेटमेंट किया, ठीक है, राइट, बराबर है? हाँ यस स्वामी जी। कोई भी कर्म अभी अभी आप सुनिए, कोई भी कर्म ऐसा होगा लाइफ में कि समय से पहले या समय से बाद में रिजल्ट आएगा? नहीं आ, नहीं नहीं आता है स्वामी, नहीं आता है। कॉमन बात हो गई, क्वेश्चन कहाँ आया है? नहीं नहीं तो स्वामी जी वही अपना तो उसमें कैसे करते हैं, अपना जो अपना जो है अपना जो उसके हिसाब से अपना कर्म के हिसाब से होने वाले कर्म के हिसाब अपना जो होने वाले वो समय पे होता है, तो अपना वो देवी देवी वो हेल्प कैसे करते हैं स्वामी जी अपने को अपना क्या अपना वो वही तो मैंने कहा कि देवी देवताओं को जो प्रेयर किया है वो भी तो एक निमित्त है, माता पिता भी निमित्त है, भाई बहन भी निमित्त है, पति पत्नी भी निमित्त है, और देवी देवता भी निमित्त है, एंड वी ऑल आर टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। ओके ठीक है, ओके स्वामी जी, ओके एक सर्कमस्टेंस से इविडेंस है वो भी हम लोग बोल सकते हैं, सर्कमस्टेंस से इविडेंस है वो। मैंने इसीलिए बार बार कहा कि उनको भी कोई फ्रीडम नहीं है, वो मैंने बार बार समझाया है। मैंने बराबर स्वामी, लेकिन अभी क्या क्योंकि ये देखो ये एक बार ये कंफ्यूजन जो आते हैं स्वामी, उसको प्रेयर करते हैं, वो अपना हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपका प्रिंसिपल भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो टाइम पे जब समझ में नहीं आता है भी अपने वो कैसे हेल्प करता है। अभी आपने वो जो किया पहले दिमाग में नहीं बैठा था। और दूसरी बात मैंने ये भी बहुत बार बताया है, जितना ज्यादा प्रेयर करना है इतनी हमारी कमजोरी ज्यादा है, या तो जितनी हमारे कमजोरी ज्यादा इतनी प्रेयर ज्यादा, जितनी कमजोरी कम इतनी प्रेयर कम, अगर कमजोरी है नहीं तो प्रेयर की जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ बराबर स्वामी, डिपेंड ऑन यू, इट इज नॉट कंपल्सरी, राइट राइट, ओके ओके स्वामी जी, राइट, डिपेंड ऑन योर इनर स्टेटस ऑफ योर ज्ञान एंड दर्शन। बरोबर, राइट, ओके स्वामी जी, तो उसके हिसाब से जो रहेगा अपना वो ठीक है स्वामी जी। अभी ये सब बातें नई नई निकलती है ना, तो आप कोई जगह नोट में नोट कर लो। नहीं नहीं स्वामी जी, और लिख ये 10 बार पढ़ोगे तो फिर बाद में बहुत सारे प्रश्नों का समाधान यही सिद्धांतों से आपको मिल जाएगा। नहीं नहीं वही करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं बट देखो ये स्वामी जी, मुझे लगता है ये डिस्कशन शायद पहली बार शायद हुआ है, पता नहीं अपने आगे कभी हुआ कि नहीं हुआ है वो पता नहीं है, लेकिन इतना डिटेल डिस्कशन स्वामी जी मुझे लगता है पहली बार अपना निकला है, और उसकी क्रेडिट अपना सुधा बहन को जाती है स्वामी जी। स्वामी जी अगर वो एक दूसरा अपना दूसरा रहेगा तो दूसरा प्रश्न है छोटा सा, अगर वो अगर टाइम है और कोई प्रश्न एक मिनट दूसरा कोई है कि मैं देख लेता हूँ स्वामी जी। कमलेश भाई पहला बीजन चांस आप बीजा बजा बीजा बजा ना पीजा, ओके सॉरी सर, बीजा बजा ना पीजा, प्लीज प्लीज स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा ना प्रश्न ये था कि ऐसे डिस्कशन में ना कि भाई हमें मोक्ष क्यों चाहिए, ऐसे किसी से बातें हो रही थी मोक्ष और ये सब, तो उन्होंने बोला कि क्यों जाना है मोक्ष, तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई हम लोगों को ना बंधन की अनुभूति है इसलिए हमें मुक्ति चाहिए, क्योंकि हम जन्म से जीवन तक कुछ भी हमारी फ्रीडम नहीं है, जो कुछ भी है वो हमारी फ्रीडम में नहीं है, तो इसलिए हमें मुक्ति चाहिए। तो स्वामी जी ये जवाब इससे और कुछ जवाब हो सकता है जो परफेक्ट और शॉर्ट आप बताओ समझाओ? ये दुनिया में जन्म से मौत तक हमारा मन वचन काया बंधन अवस्था में ही है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और हमको अगर मुक्ति की अनुभूति करनी है तो मन वचन काया से मुक्त रहना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, और मन वचन काया से परमानेंटली मुक्त हो गए इसका नाम है मोक्ष। यहाँ ज्ञान दर्शन से प्रैक्टिस करना है, और बाद में जो मोक्ष मिलेगा वो मन वचन काया ही नहीं रहेगा, तो वो परमानेंट मोक्ष है, और यहाँ शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन से मुक्तता की अनुभूति हम अभी भी कर सकते हैं। समझ गया, तो प्रोसेस हो गई है, तो आपने प्रोसेस बताई कि बंधन के आधार से हमको मुक्ति की जरूरत है, अगर बंधन नहीं होता है तो मुक्ति की जरूरत ही नहीं है।
हम जो सोचना चाहते हैं सोच नहीं सकते, बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते, और करना चाहते हैं कर नहीं सकते हैं। हम बचपन से लेके पैदा होने के बाद, बचपन आया, युवानी आई, बुढ़ापा आया, मांदगी आई, सब कुछ आता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि बंधन है। मगर ये बंधन से हमको मुक्ति पाना है। मगर बंधन क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है। तो अगर अज्ञानता मिट गई तो कर्म ही नहीं बनेंगे, और कर्म नहीं बनेंगे तो बंधन ही नहीं आएंगे। उसी का नाम है मुक्ति। आ गया समझ में? हाँ स्वामी जी, ये भी हो सकता है ना कि हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, ये चाहिए मुक्ति, मतलब मुक्ति मतलब परमानेंट हैप्पीनेस, और परमानेंट हैप्पीनेस हमें यहाँ संसार में फील नहीं होती है। जो भी है वो मान्यता वाली जो फीलिंग है हैप्पीनेस की, वो भी टेम्परेरी है। तो अगर मुक्ति मतलब परमानेंट हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, ऐसे वो भी बोल सकते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। अभी जो हैप्पीनेस आती है वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस है और डिपेंड ऑन बिलीफ है, और जो आत्मा में जो हैप्पीनेस है वो बिलीफ या तो अवस्था के ऊपर आधारित नहीं है, वो स्वाभाविक आनंद है और वो परमानेंट है, वो भी Yes, next. सुधा बहन को कोई प्रश्न करने का बाकी है? हाँ सुधा बहन अनम्यूट करो अगर आपको प्रश्न बाकी है, क्योंकि आपका हैंग हो गया था। हाँ अनम्यूट अपने। हाँ हाँ स्वामी जी, वो प्रश्न था जय सच्चिदानंद स्वामी जी, नरक गति में और देव गति में और मन रेंज गति में तीन जगह प्रतिष्ठित आत्मा इनएक्टिव रहता है, लेकिन वो इनएक्टिव रहने के लिए क्या कुदरत का वो रोल है इनएक्टिव करने का? कैसा वो इनएक्टिव हो जाता है? वो कुदरत बॉडी ही ऐसी देती है ओनली फॉर सफरिंग, नॉट टू क्रिएट एनीथिंग। लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा तो कुदरत के कंट्रोल में नहीं है ना स्वामी जी? प्रतिष्ठित आत्मा कुदरत के कंट्रोल में नहीं है, मगर कुदरत आपको इसी प्रकार का बॉडी देती है जहां आपको पुरुषार्थ करने की फ्रीडम नहीं होती है। हाँ जैसे देवलोक में भी फ्रीडम नहीं है, बॉडी ही ऐसा है, नरगति में भी फ्रीडम नहीं है। हाँ, यानी हमारा हाँ प्रतिष्ठित आत्मा के मन बुद्धि ये भी काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो कुछ देवलोक नरक लोक में नहीं करते हैं। मगर जो तिर्यंज गति होती है, तिर्यंज गति में मन होता है, यहाँ मनुष्य मनुष्य के साथ होता है नहीं तो मन होता है, वहाँ नहीं होता है। हाँ वहाँ तो देवलोक का मन नरक लोक का मन वो तो सफरिंग के लिए, हमारे जैसा माइंड नहीं होता है जो पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसा हाँ, नहीं होता है। हाँ, सफरिंग करता है ऐसा भी माइंड नहीं होता है वहां। आप एक बात सभी महात्मा या सभी साइंटिस्ट बिल्कुल ध्यान से समझ लो कि देवलोक नरक लोक में मनुष्य लोक जैसा सफरिंग नहीं है, व्यक्ति व्यक्ति का हिसाब वहां नहीं है, आप समझो पहले। हाँ हाँ हाँ, वहां माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, पति पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, न देवलोक में है, न नरक लोक में है, न पशु योनि में है, आप समझो। और मनुष्य भाव में ही ऐसा कर्म का संयोग होता है कि जिसमें माता पिता मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं, बच्चे भी होते हैं, फ्रेंड रिलेटिव नेबर भी होते हैं। तो ये कर्मों का जो भुगतान है वो कर्मों का ट्रांजेक्शन के मुताबिक है। और आप देवलोक में जो कर्म की भुगतान करते हैं वो सिर्फ क्रेडिट के करते हैं, वो ट्रांजेक्शन वाइज नहीं है, इट्स योर वन वे क्रेडिट। और नरक लोक में करते हैं वो वन वे डेबिट है। तो ट्रांजेक्शन वाइज नहीं है, नरक लोग आपको दुख देते उनके साथ आपका हिसाब नहीं है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ नोट?
यस यस दैट दैट्स क्लियर स्वामी जी, वो क्लियर है. लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा अपने आप कैसे बंद हो जाता है या वो शरीर के? हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा की जरूरत भी नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करना है. ओनली सफरिंग, दे डोंट वांट टू क्रिएट एनीथिंग, बिकॉज़ व्हाट इज द लॉ ऑफ नेचर सेज, कुदरत का कानून क्या कहता है, जहां कर्म बांधने की सत्ता है, जिस गति में, जिस योनि में कर्म बांधने की मैंने सत्ता दिया है, वहां से कर्मों की नियुक्ति की सत्ता भी मेरे को देनी पड़ती है. टू थिंग्स एट अ टाइम, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ. तो मनुष्य भाव से ही मुक्ति है, और मनुष्य भाव में ही बंधन है, और मनुष्य में से ही चारों गति में घूम सकते हैं, और कोई देवलोक में से कहीं जगह नहीं जा सकते हैं, नरक गति में से कहीं नहीं जा सकते, मोक्ष में भी नहीं जा सकते, सिर्फ वो ही गति का कर्म समाप्त होता है, नथिंग एल्स. हाँ, लेकिन हाँ, तो वो मनुष्य भाव में ऐसा है कि चारों गति में से कोई भी गति का कर्म त्याग भी कर सकते हैं, और चारों गति से मुक्ति प्राप्त करके, अज्ञान के अज्ञान खत्म करके मुक्ति पा के मोक्ष में भी जा सकता है, ओनली इन अ ह्यूमन लाइफ. हाँ, वो क्लियर है स्वामी जी, वो क्लियर है. लेकिन वो प्रतिष्ठित आत्मा जो इनएक्टिव रहता है, तब उसका मैं हूं का भान तो वहां रहेगा स्वामी जी? मैं हूँ वो रहेगा, रहेगा 100% रहेगा, वो चारों गति में होता है. हाँ. अस्तित्व का भान तो रहेगा 100%. अभी हम कहते हैं कि वो कौन सा गुने के कारण वो नरक में गया है, वो नरक में जाके वो भोगता है, तब वो सीख ले लेता है कि फिर से ये कर्म नहीं करना, ऐसा नहीं होता है? आपके प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है तो वो सीखता भी नहीं है कुछ, सिर्फ डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा ही होता है? नहीं, अगर वो एक नर्क में है, कोई किसी गुने के कारण वो नर्क में गया है, कोई ऐसा भाव के कारण, तो फिर से मनुष्य होने के बाद फिर से वही गुना, फिर से वही मिस्टेक कर सकता है? जा सकते कितनी बार भी जा सकते हैं, देवलोक में जा सकते हैं, नरक लोक में, पशु योनि में, और मनुष्य में तो बार बार आता ही है, कहीं भी जा सकते हैं, कितनी बार जा सकते हैं, नथिंग, देयर इज नो एनी स्टैंडर्ड. वो आपके कर्मों के ऊपर आधारित है. हजारों बार भी नरक गति में जा सकते हैं, कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि आप मैक्सिमम या मिनिमम, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है समी, समझे? हुए अच्छे लो प्रश्न से घनश्याम भाई. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. स्वामी जी समय ना हो तो पछी फरी वार पूछीस, एवं कोई इम्पोर्टेंट नहीं. घनश्याम भाई तमारू लई छे पछी स्वामी जी, मने खबर छे तमारू थोड़ो वधारे चालशे, एटले हवे पछी स्वामी जी ने हुं कहू छुं के अच्छे लो प्रश्न. ओके ओके ओके. स्वामी जी जय सच्चिदानंद. સ્વામીજી મારા નાના નાના ત્રણ પ્રશ્ન છે, બહુ શોર્ટમાં છે. સૌથી પહેલા તો આપની સબસે પહેલે આપકી પ્રાયોરિટી યે હૈ કે જો અજ્ઞાન હમ લેકે આયે હૈ ઉસકો મિટાના હૈ. ઓકે, તો આપ હમેશા કહેતે હૈ કે જો હમારા ડેવલપમેન્ટ હૈ વો ડેવલપમેન્ટ હમારા વો शुद्धात्मा की जो दृष्टि है, जो विजन है, और ये जो सिंपल लैंग्वेज में आपने बोला कि ये कुदरती रचना है, तो ये एक क्वालिटी वाचक है. जो विजन है वो क्वालिटी वाचक है, जिससे हमें सिर्फ अलग रहना है मन वचन काया से, और दृष्टि में मैं शुद्धात्मा हूं और ये कुदरती रचना है. ये सिंपल टू डेवलप अवर डेवलपमेंट based on the exact jnan, vijnan. Yes. Right? And
सेकंड थिंग इज आप जो कह रहे हैं कि हमारी जो परिणति है, जो अनुभव है, जो हमारा उपयोग है, वो क्वांटिटी वाचक है, जिससे हमें जो कुदरती रचना है आफ्टर हैविंग अ कंप्लीट डेवलपमेंट बेस्ड ऑन स्टेज 7, तो उसके बाद जो ये डेवलपमेंट पूरा मैच्योर होने के बाद यू हैव टू यूज योर विजन टू लुक एट ऑल दिस नेचुरल, मतलब कुदरती संजोग जिसको बोलते हैं, जिसको हम कर्म परिणाम बोलते हैं, उसको हमें आहिस्ते आहिस्ते डेवलप करना है। पहले जैसे हमने कुदरती रचना के बेस पे देख समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, या तो मशीन की तरह हम देखें, उसके बाद हमें जाना है 6 तत्वों के आधारित जो संजोग हमारा आता है। तो परिणीति को डेवलप करने के लिए ज्ञान का, विज्ञान का डेवलप तो हो गया, जो विजन है आपका ज्ञान का अप टू 7, उसके बाद हमें एग्जैक्टनेस ऊपर जाना है कि ये ब्रह्मांड में 6 तत्व है, तो 6 तत्व कैसे हमारा हर एक संजोग में काम करता है, वो परिणीति को हमें डेवलप करना है। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि 4 to 7 वो हमारा कुदरती रचना और कुदरती कानून का मैक्सिमम यूज करना है थ्रू आवर विजन और संभव, और 7 के बाद 8 to 11 में सिर्फ 6 तत्वों का उपयोग करना है। देन यू क्रॉस द 11th एंड एंटर इन अ 12th इज अ केवल दर्शन, राइट? सो दिस इज द एग्जैक्ट विजन फ्रॉम 4 to 7, 7 to 11, और आफ्टर दैट इट इज अ क्षायक संकेत। वंस यू पास दैट स्टेज, स्टेज 11, यू हैव अ क्षायक संकेत, राइट? सो इट्स अ मैटर ऑफ नाउ, आफ्टर दैट आपका केवल दर्शन 360 डिग्री हो जाता है, राइट? नाउ द अनदर पॉइंट इन इन द सेम डायरेक्शन इज वंस वी हैव, जैसे हमारा 360 डिग्री का केवल दर्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा स्पष्ट वेदन, मतलब केवल ज्ञान का बीज पड़ता है, और माता के गर्भ से हमारा जो स्पष्ट वेदन है, वो स्पष्ट वेदन वहां से होता ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब नो मिसअंडरस्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम विथ नेचर, बराबर, राइट? अज्ञान भी नहीं है, यानी प्रतिष्ठित आत्मा है तो वही तो स्पष्ट वेदन है, प्रतिष्ठित आत्मा है तो पजल है, प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं है तभी तो स्पष्ट वेदन है। हाँ, तो जो केवड़ी है और तीर्थंकर है तो उसमें प्रतिष्ठित आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, जो होता है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है और आत्मा का स्पष्ट वेदन। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है और आत्मा जो है वो संपूर्ण अपने स्वभाव में है, मतलब वो खुद अपने स्वभाव में आ गया है, तो जो जो केवल ज्ञान तक का जो समय का विक्षेप है, वो विक्षेप का मुझे समझना है कि एग्जैक्टनेस अगर प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है तो विक्षेप किसको है? ये मैंने बार बार समझाया है, once again I explain it, no problem. देखो सिंपल बात है, जब आपकी शादी 25 साल में होने वाली है और आपने 20 साल से ट्राई किया तो 5 साल क्यों निकल गए? बिकॉज ऑफ ड्यू डेट, नॉट बिकॉज ऑफ यू आर नॉट एबल। अगर आपको लॉटरी लगनी है 50 साल की उम्र में तो आपने 30 साल से लॉटरी लेना शुरू कर दिया तो 50 साल की उम्र में लॉटरी लगी तो आपने बोला मैंने 20 साल प्रयास किया, वो तो कॉमन अनकॉमन सेंस की बात है। 50 साल ही आपकी ड्यू डेट, पहले आपने प्रयास किया वो भी आपका उदय कर्म है, इट इज ओके, मगर उसका ड्यू डेट 50 साल के देखिए, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर। तो ये पुरुषार्थ की बात नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ ड्यू डेट। मैंने बहुत बार कहा है केवल ज्ञान इज अ मैटर ऑफ ड्यू डेट, इट इज नॉट मैटर ऑफ योर करंट बर्थ पुरुषार्थ, इट इज देयर एंड इट इज कंपल्सरी एंड इट इज ऑटो मोड। लेकिन स्वामी जी आपने हर बार कहा है, हमने समझा भी है कि उसमें इट्स अ मैटर ऑफ टाइम,
जो समय का ही है, जो कुदरत में फिक्स है, जो जो वक्त के केवल ज्ञान होना है होता ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि अगर हमें 100% राइट 100% केवल दर्शन है, स्पष्ट वेदन है और केवल ज्ञान का बीज पड़ गया है, लेकिन ये जो विक्षेप का है वो थोड़ा दिमाग में बैठता नहीं है स्वामी। वो विक्षेप वो अज्ञानता का प्रतीक नहीं है, आप समझो पहले। अज्ञानता, और मैंने वो भी कहा है कि विक्षेप सेकंड का नहीं होता है, मिनट का नहीं होता है, अवर्स का नहीं होता है, समय का होता है, जो सेकंड का भी हजारवा पार्ट से इसको समय का विक्षेप, समय बहुत छोटी बात है, सेकंड का भी हजारवा भाग होता है, तो वो समय का भी आता है। और वो भी क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ड्यू डेट, नॉट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और नॉट बिकॉज ऑफ उसका उपयोग कम है, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ ड्यू डेट, तो ये कह सकते हैं कि ये जो विक्षेप है वो भी डिस्चार्ज के बेस ऊपर जो समय में जो जो होना है उसी तरह ही होगा, तो वो डिस्चार्ज के रूप में हम देख सकते हैं। डिस्चार्ज के रूप में ही है। अच्छा अच्छा, पुरुषार्थ के रूप में ही नहीं। अच्छा अच्छा, डिस्चार्ज के रूप में ही तो है, मैंने कहा ना कि इट इज ऑटो मोड। उसमें आपको एफर्ट करना ही नहीं और जरूरत भी नहीं है। अच्छा अच्छा, और स्वामी जी अभी 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 जो हमारी बात चल रही है वो जो देवगति, नरक गति और तिर्यंज गति की जो सब डिस्कशन हो रहा था, तो मेरे दिमाग में एक सिंपल एग्जांपल आया कि ये कैसा है कि मुझे किसी ने 100,000 pounds दे दिया अपने क्रेडिट अकाउंट में और बोला कि उसको यूज करके वापस आ जाओ। वो तो बराबर है, वहां तो क्रेडिट कार्ड यूज करने की क्रेडिट जो होता है, यहाँ लौकिक जगत में जो आप पाप पुण्य की भुगतान करते हैं, ऐसा पुण्य देवलोक में और ऐसा पाप नरक लोक में नहीं होता है। संसार में जो मनुष्य भव में जो पाप पुण्य होता है, इट इज ट्रांजेक्शन वाइज होता है। क्या होता है? ट्रांजेक्शन वाइज। देवलोक में जो पुण्य है वो ट्रांजेक्शन वाइज नहीं है, वो क्वालिटी ऑफ और पुण्य तो बाद मिलता है आपको कि नाउ यूज यू एंजॉय योर लाइफ एज अ देवलोक। सेम वे अगर आपने अबव नॉर्मल पाप किया है, एक्सट्रीम पाप किया है, तो नर्क गति में आपको पैकेज मिलता है भुगतान करने के लिए। वो ट्रांजेक्शन वाइज नहीं है कि भाई उनके ये व्यक्ति के साथ आपने पाप किया था, ये व्यक्ति का पाप किया था, ऐसा नहीं है। वो पैकेज है, सेपरेट पैकेज है। हाँ, एले, मेरा कहने का मर्म, मेरा कहने का मेरा कहने का मर्म यही था कि जो हम वो जो डेबिट्स क्रेडिट तो एक वर्ड है, लेकिन वो जो एसेट्स है हमारा, वो जो हमारा क्रेडिट है उसको सिर्फ पूरा करने के लिए जाते हैं। मैसेज मिल गया तो करेक्ट है, करेक्ट। हाँ, बस वही कहना था। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। आपको समाप्त करना है कि कंटिन्यूस करना है, क्योंकि वी स्टार्टेड 5 o'clock। वी स्टार्टेड लेट स्वामी जी, पण હવે અત્યારે હાથ અત્યારે ઊંચા નથી તો પછી પૂરું કરીએ। ઓકે ઓકે ઓકે, સો નોબડી હેવ અ ક્વેશ્ચન રાઈટ નાઉ, રાઈટ? I'm sure કે કોઈ કોઈને ક્વેશ્ચન તો હશે જ, એ તો આપણે પૂછશું તો કમલેશભાઈ ને પણ છે, પણ એમણે તો બે વાર પૂછી લીધું છે એમને, એટલે આપણે શું કરીએ કે 2 મિનિટ નો ઇન્ટરવલ લઈએ, કવિરાજને એક પદ મૂકી દો અને પછી આપણે 15 મિનિટ 20 મિનિટ અડધો કલાક જેટલો પ્રશ્ન હશે ત્યાં સુધી આપણે। ઓકે, તમને નથી વાંધો તો ઓકે ઓકે, બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ, ઓકે 2 મિનિટ નો જરા ઇન્ટરવલ આપો ખાલી। હા, देखना और जानना वो तो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है, प्रकृति को देखना होता है और भाव करना वो भी उनका स्वभाव है, मगर ये देखना और जानना जितना देखना और जानना जो प्रतिष्ठित आत्मा होता है वो वहां सहजित होता है, यानी
वहां एक्टिव मोड में नहीं होता है, वो अवस्था को देखे जाने और एनालिसिस करके पुरुषार्थ करे, भाव करे, ये प्रोसेस वहां नहीं होती है, क्योंकि वहां देखना और जानना जो होता है उसी को देखना जानना है, उसके अंदर से अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग करके निचोड़ निकाल के नया पुरुषार्थ करना, वो प्रोसेस प्रतिष्ठित आत्मा में नहीं होती है। बराबर स्वामी जी, એટલે ખાલી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તરીકે રહ્યો એવું કહેવાય ને, એસા બોલ સકતા ને સ્વામી જી? અસ્તિત્વ કા ભાન તો રહેગા, સભી યોનિ મે રહેગા, અસ્તિત્વ કા ભાન રહેગા। જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ। આપના ચરણો માં કોટી કોટી વંદન સ્વામી જી। रमेश भाई टोलिया, अजय सामान में ऑन किया है ना? ये तो अनम्यूटेड छे स्वामी जी। हाँ, तो अजय सवाने की बात करता। हाँ, पर एमने बंबन थई गयो छे स्वामी। रमेश भाई टोलिया, हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हवे आपणे अत्यारे ज्ञान दर्शन नी वात थई, अला दर्शन नी वात थई के प्रतिष्ठित आत्मा नो खात्मो एनु नाम केवल दर्शन। ले आ तो एक कुदरत नो अफेर कानून ज गणाय ने, तो आ वस्तु जी जी हाँ, बस ये क्लियर, हाँ बस ये क्लियर है। आ एक कुदरत नो भाग ज गणे ने, कुदरत नो कानून ज कहवाय ने। जी 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 जी। यस, नेक्स्ट। मोना मोना गर्ग प्रश्न है। जय सच्चिदानंद स्वामी। आवाज आवे छे? यस, क्लियर क्लियर। स्वामी, मेरा क्वेश्चन आवरण, निरावरण, अनावरण, कोटेड, डीकोटेड, ये पांचों शब्द का स्पष्ट एनालिसिस चाहता हूं मैं। आवरण, निरावरण, अनावरण, कोटेड, डीकोटेड। सिंपल है, आवरण का मतलब होता है कर्टेन, अनावरण का मतलब होता है एक एक कर्टेन कम होना, और निरावरण का मतलब होता है सभी प्रकार के आवरणों से, सभी प्रकार के कर्टेनों से मुक्ति, वो निरावरण, वो आत्मा अस्वभाव खुला हो गया, वो निरावरण हो गया। अनावरण का ग्रेजुअली ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होने का। ये बात समझ में आ गई? और आपने शुरुआत में जो दिव्य देशना बोला था कि अज्ञान रिलेटिव है, जुड़ा हुआ है। तो हमारा एक क्वेश्चन आया था डिस्कशन में अज्ञान के बारे में, तो अज्ञान का जन्म कहां से हुआ? निगोच से हुआ, एक इंद्रिय से हुआ, कि आत्मा के साथ पहले से थे? एक्टिव फॉर्म में एक इंद्रिय से हुआ। हाँ,
एक इंद्रिय से हुआ, एक इंद्रिय से। तो ये अज्ञान जैसा सनातन सिद्धांत ये नेचर में है ही, तो अज्ञान भी होगा नेचर में, इसके बिना कैसे आएगा? अज्ञान दृष्टि का विषय है, जिसको एक इंद्रिय का मतलब होता है, जिसको एक इंद्रिय का ज्ञान है वो तो रिलेटिव सत्य ही जानेंगे, फिर दो इंद्रिय का ज्ञान होगा वो भी रिलेटिव सत्य जानेंगे, ऐसे तीन चार करके पांच इंद्रिय का ज्ञान होगा वो भी रिलेटिव सत्य जानेंगे, उसके बाद जब ह्यूमन लाइफ में आएगा तो पांच इंद्रिय वत्ता बुद्धि मिलेगी, वो बुद्धि भी रिलेटिव सत्य ही जानेगी। तो रिलेटिव सत्य का मतलब होता है ग्रोथ। नहीं तो स्वामी, जब आत्मा निगोद में होता है उसके पर आवरण होता है तो अज्ञान नहीं है, तो उसको अज्ञान नहीं बोलते। नहीं वो तो वहां तो ये ज्ञान रिलेटिव सत्य के ज्ञान की भी बिगिनिंग नहीं हुई, ज्ञान की बिगिनिंग नहीं। तो आप्तवाणी 14 में इसमें उल्लेख आता है कि अज्ञान तो पहले से होता है, आत्मा के साथ ही होता है, ऐसा उल्लेख है आप्तवाणी में। आत्मा के साथ होता है वो तो बराबर, मगर आत्मा के साथ मतलब निगोद के साथ ये बताया है? नहीं ऐसा कोई नहीं है, पहले से ही ऐसे आत्मा अज्ञान तो पहले से आत्मा के साथ ही है। कहने का मतलब ये है कि निगोद के अंदर मैंने इसीलिए कहा था वो टोटली बेभान अवस्था ऐसी है जो आत्मा के ज्ञान की तो बात है नहीं, बुद्धि के ज्ञान की बात भी नहीं है, और इंद्रिय ज्ञान भी खुला हुआ नहीं है, ऐसी अवस्था निगोद के जीवों की होती है। वो अज्ञान तो होता है ना, या अवस्था मीन्स कोई भी अवस्था अज्ञान होती तो अवस्था होता है ना, अदरवाइज अवस्था है ही नहीं ना। बताओ देखो, जब अज्ञान और ज्ञान और विज्ञान, मैंने तीन अवस्था बता दी। हाँ बराबर है, ज्ञान अज्ञान और विज्ञान, तो ये तीनों अवस्था ये एकेंद्रिय से शुरू होती है, निगोद में ये अवस्था नहीं है क्योंकि अनकॉन्शियस है, व्यवहार अवस्था है, एक इंद्रिय भी एक्टिव नहीं है, क्या नहीं है? एक्टिव नहीं है। और व्यवहार राशि में आया तब एक इंद्रिय एक्टिव हुई, तो एक इंद्रिय का ज्ञान मिला इनटू इन्वर्टेड कॉमा रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू अज्ञान, स्टार्ट द इग्नोरेंसी फ्रॉम वन सेंस इन व्यवहार राशि, फिर धीरे धीरे इंद्रिय ज्ञान का अज्ञान रिलेटिव सत्य का अज्ञान बढ़ा, फिर मनुष्य में आया तो बुद्धि मिली, तो जो अज्ञान मिला था पांच इंद्रियों का अभी और गाढ़ हुआ। अज्ञान का बर्थ एक एक इंद्रिय से होता है, अज्ञान का जन्म एक इंद्रिय से होता है, ज्ञान और अज्ञान एक इंद्रिय साथ होता है। हाँ। तो अब जो निगोद से तो वो उसमें बट नेचर कोई भी आत्मा आता है वहां तो कोई ऐसी कोई ऐसे कोई आंसर न शास्त्रों में है और न ही हमारे विजन में। हाँ, दैट मींस के पहले आता है वो पहले पुण्यशाली, उसका यात्रा चालू हो जाती है मोक्ष की, जो पहले आता है वो, बाकी पेंडिंग रहता है उसको वेट होना पड़ता है, ऐसा हो गया ना? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने जो कहा कि पहले आता है वो पहले मुक्त रहेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा कंडीशन नहीं है। नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसकी यात्रा चालू हो जाती है मोक्ष के, उसका तो यात्रा जन्म ही नहीं होता, यात्रा कैसे?
यात्रा चालू हो गई पहले वो आप बता सकते हैं, मगर मोक्ष में पहले जाएगा वो नहीं बता सकते। वो तो गारंटी किसी की नहीं है, अभी इधर रहने वाले भी नहीं। ये इम्पोर्टेंट बात है। बराबर। ओके ओके, जय सचिदानंद, जय सचिदानंद। यस नेक्स्ट। और किसी को सोमचंद जी को प्रश्न करना है? आप अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको प्रश्न करना है तो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जीतू भाई पटेल। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपने कोटि कोटि नमस्कार। एक क्वेश्चन आवे छे के गुजराती हिंदी जरा ओछू फावे छे, पण कोई अटल ट्राई। इट्स ओके। અમાર ત્યાં ડિસ્કશન માં ઘણી વખત ક્વેશ્ચન આવે છે કે અમારી પ્રગતિ થાય છે કઈ રીતે ખબર પડે? તો આઠથી અગિયારમાં અમે જીવ જુલા ખાય, આગળ જાય પાછળ પડે। તો મારી સમજણ પ્રમાણે એવું હતું કે વૈરાગની ભાવના જેટલી જેટલી તીવ્ર થાય અને ભેદ જ્ઞાનના ઉપયોગ સાથે એમ પ્રગતિ થાય। દરેક મહાત્મા એની પાસે જરા વધારે સમજાવવાનું એટલે વૈરાગ્ય જો ભાવ આપને મતલબ હોતા હે कौन सी चीज हमको त्याग करना है, घने का मतलब होता है कौन सी चीज हमको जाननी है, प्राप्त करनी है, अनुभव करनी है, और उपादेय का मतलब होता है हमको जो चीज अनुभव करना है उसके लिए क्या चाहिए, हमको उपादान क्या चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ ज्ञान दर्शन भी रिक्वायर। ये तीन स्टेज है। जैसे संसार है और मोक्ष, और मोक्ष जो है वो हमारे लिए प्राप्त करने की चीज है, और मोक्ष के लिए लायक और सहायक संजोग है वो हमारे लिए उपाधि है। समझ में आया? समझ में आया। तीन चीज मैंने बताई, एक अज्ञान जो है वो संसार के लायक और सहायक संजोग हमारे लिए है, हे का मतलब त्याग योग्य है, और मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संजोग हमारे उपाधेय है यानी प्राप्त करने लायक है, और हमारा ज्ञान कौन सा है, कौन सा, कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान होते हुए शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करने का जो पुरुषार्थ का लक्ष्य है, को रिलेटेड सरकम का सरकम प्रासिस का, वो हमारे लिए उपाधेय है, और संसार के लिए लायक और सहायक संजोग हमारे लिए है, त्याग योग्य है। समझ में आ गया। ये इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया, आपने जो कहा था वही करेक्ट है। इट इज वेरी सिंपल। राइट राइट राइट। थैंक यू। जय सच्चिदानंद, अपने कोटि कोटि नमस्कार। रामचंद नाटा, जोधपुर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा प्रश्न यह है, अभी आपने बताया कि नर गति में, देव गति में और तिर्यंश गति में भुगतान जो है वो ट्रांजेक्शन वाइज नहीं होती है। देव गति में जो है हम जो प्रार्थना करते हैं हमारा अगर हिसाब है तो ही हमको वो देवी देवता हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा जितने तीर्थंकर है उनके जो शासन रक्षक देवी देवता है वो भी पर्टिकुलर होते हैं, तो ये दोनों में थोड़ा विरोधाभास लग रहा है। इसका क्लियरिफिकेशन मतलब विरोधाभास
पर्दाबाज क्या लगता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी। आवाज आवाज नहीं आ रही है? क्लियर नहीं है, अब बराबर है? ओके छे, आवाज ओके छे, ओके है। नहीं नहीं, आपको क्या क्या कंफ्यूजन हुआ नहीं समझ में आया? मेरे को प्रश्न समझ में नहीं आया, आपको कंफ्यूजन कहाँ है वो पॉइंट समझ में नहीं आया। आपने बताया कि नर्क गति में, हाँ बोलिए, देवलोक में नर गति में और त्रियंज गति में जो कर्मों की भुगतान है वो ट्रांजेक्शन वाइज नहीं होती है, ऐसा आपने बताया? बराबर है। तो देव गति में जो हम प्रार्थना करते हैं देवी देवताओं से, तो पर्टिकुलर हमारा हिसाब है तो ही वो हमको हेल्प कर सकते हैं। और बस ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है जी, ट्रांजेक्शन वाइज है या नहीं? हाँ गया, ये आपका प्रश्न है। हाँ स्वामी जी, ये आपका प्रश्न है ना स्वामी जी, वो ट्रांजेक्शन वाइज नहीं है कर्म का भुगतान, इसका क्लेरिफिकेशन चाहिए। मैं समझ गया, मैं क्या कहता हूँ, यही आपका प्रश्न है ना, मैं यही कहना चाहता हूँ, कंफर्म करना चाहता हूँ, फिर बाद में उत्तर करूँ। हाँ स्वामी जी बराबर, आपका प्रश्न ये है कि अगर देव लोग हमारे कर्मों का फल देने का वो निमित्त बनते हैं, वो तो ट्रांजेक्शन वाइज है ना, और आपने कहा वो ट्रांजेक्शन वाइज उसका लाइफ नहीं होता है, तो ये आपको विरोधाभास लगा, ये आपका क्वेश्चन है, अभी मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। देव लोग जो सफरिंग करते हैं, नरक लोग जो सफरिंग करते हैं, उसका सफरिंग ट्रांजेक्शन वाइज नहीं होता है, उनकी ड्यूटी पार्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर है, वो ड्यूटी में आ गया। अच्छा अच्छा, आप समझे ना, वो उनकी जॉब है, जॉब समझते हैं ना, मगर उनका जो लाइफ है वो ट्रांजेक्शन वाइज है, ना माँ बाप है, ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, ना हस्बैंड वाइफ है, ना बच्चे हैं, ना फ्रेंड्स है, ना रिलेटिव्स है, कैसे कर्म भुगतान करेंगे ट्रांजेक्शन वाइज, नहीं कर सकते हैं। बराबर, तो ये तीर्थंकर को जो शासन रक्षक देवी देवता होते हैं वो भी पर्टिकुलर देवी देवता ही होते हैं, तो वो भी ट्रांजेक्शन में नहीं आएगा, ट्रांजेक्शन वाइज नहीं, वो भी उनकी ड्यूटी है, हिसाब जो होगा देवी देवता का, अरे सॉरी तीर्थंकरों का, उसके मुताबिक वो निमित्त बनते हैं, वो उनकी ड्यूटी है, आप समझे ना, ड्यूटी है। मैंने बहुत बार कहा है कि देवी देवता इज ऑन ड्यूटी फॉर 24 आवर्स विदाउट सैलरी एंड ओवर टाइम। बराबर, ये बात तो जो रोल है लक्ष्मी माता का जो रोल है वो करना पड़ता है, सरस्वती का जो रोल है वो करना पड़ता है, धन्वंतरी का देव का रोल जो है वो करना पड़ता है, तो उसमें उसके लिए ड्यूटी है, वो उनका कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल तो देवलोक है, मगर देवलोक में जाके क्या करना है, तो देवलोक में उसको आनंद तो करना है, कोई जॉब करना नहीं है, कोई काम करना नहीं है, कोई परिवार नहीं है, उनको खाना पीने की चिंता नहीं है, बीमारी की चिंता नहीं है, उनको बचपन नहीं है, गड़पड़ नहीं है, बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करना है, बस उनको जो पोस्ट मिली है पोस्ट के मुताबिक वो ड्यूटी को फुलफिल करना है, दैट्स इट। बराबर, हो गया समाधान स्वामी, जय सच्चिदानंद। ओके ओके, कोकिला बेन, यस, और हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रश्न एवो तो आपणे अध्यात्म विज्ञान सोनेरी सूत्र आवे छे, एमां 173 नंबर नुं सूत्र छे, पहला गुजराती में बोलो, हिंदी में पछी करूं। नर्कना जीवो अने देवोने जाति स्मरण ज्ञान होय, एटले मीन्स के नर्क के जीव और देवो के में जाति स्मरण ज्ञान है, तो वो जाति स्मरण ज्ञान का अर्थ क्या है, जाति मीन्स किस तरह की जाति? मैंने पहले ही बता दिया, जातीय स्मरण ज्ञान इज इक्वल टू पिछले अवतारों का ज्ञान, पिछले अवतार ये अवतार का नहीं, पिछला अवतार जो आपको दिखता है, एक अवतार, दो अवतार, तीन अवतार, वो जातीय स्मरण ज्ञान की जो कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक आपको एक दो तीन चार भाव दिखते हैं। श्रीमद रामचंद्र को 900 भव दिखे थे ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है,
श्रीमद राजचंद्र जी को 900 के ज्ञान वो दिखा तो क्या राज उसी टाइम वो नर्क में थे, नर्क गति में थे, देव गति में, किस तरह समझे, या मनुष्य गति में? तो नहीं समझे, मैंने क्या कहा कि देवलोक और नरक लोक में जातीय स्मरण ज्ञान होना कंपलसरी है, और मनुष्य भव में जो जातीय स्मरण ज्ञान होता है वो एक्सेप्शनल है, कभी होता है नहीं भी होता है, ज्यादातर लोगों को नहीं होता है, अपवाद लोगों को हो जाता है, उनकी एक या दो भव का दिखता है, आप समझे? मगर वहां कंपलसरी है, देव लोक नरक लोक में कंपलसरी है, यहाँ कंपलसरी नहीं है, यहाँ अपवाद है, एक्सेप्शनल। बराबर से बराबर समझ गई, वो तो समझ गई, लेकिन जो नरक गति में जाते स्मरण ज्ञान होता है दो तीन चार भोग का, पर उसी टाइम वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भुगतना ही है उसको, वो कर्मों के भुगतान के लिए, उनको पुरुषार्थ करने के लिए जाते स्मरण ज्ञान नहीं है, कर्मों के भुगतान के लिए, कर्मों के भुगतान के लिए उसको पूरा याद रहता है, मैंने पिछले जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए, पुण्य भुगतान कर रहा हूँ देवलोक में। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी आपने ये देव देवियों के बारे में ऐसे कहा था स्वामी जी कि अगर हमारा हिसाब हो तो हमें हेल्प कर सकते हैं, रियल में भी हेल्प कर सकते हैं और रिलेटिव में भी हेल्प कर सकते हैं, ऐसे आपने कहा था, अगर मैं मैंने गलत नहीं सुना है तो आपने कहा था स्वामी जी ऐसे? हाँ, तो आपने कहा था कि अगर रियल में, जनरली तो ये रिलेटिव, मगर रियल में अगर वो हेल्प करते हैं तो ज्ञान दर्शन के बगैर उस जो है व्यक्ति को समता रहती है, ऐसे कुछ कहा था आपने शायद? मैंने क्या कहा कि जो वितराग शासन देवी देवता है वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होते हैं, और जो निष्पक्षपाती देवी देवता है वो संसार के अंदर लायक और सहायक होता है, ये दोनों का रोल है, मगर दोनों के पीछे हमारी प्रार्थना होगी तभी वो फल देगा, अपनी मर्जी से नहीं देगा। हाँ हाँ नहीं वो तो बराबर है, पर ये मैंने ऐसे सुना था, आपने कुछ ऐसा कहा था या फिर मैंने ऐसे ही सुन लिया था ये कि काइंड ऑफ रियल में भी हेल्प करते हैं, रिलेटिव में भी हेल्प करते हैं, रियल में ऐसे हेल्प करते हैं कि जैसे कि हो सकता है कि उसको मतलब समता रहे, अगर ज्ञान दर्शन जरूरी है, सिंपल कहेंगे तो इसको कहेंगे मॉरल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट देंगे। हाँ हाँ अच्छा अच्छा यस, मोरल सपोर्ट आपको होगा, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको कोई लौकिक व्यवहार जीवन में कोई कष्ट आ गया, अच्छा अच्छा, और आपने आपके इष्ट देव भगवान को याद किया तो थोड़े समय के लिए आपको मोरल सपोर्ट मिलता है कि नहीं? मिलता है, मिलता है, अगर हिसाब में हो तो मिलता है, गुरु को याद किया तो भी मोरल सपोर्ट मिलता है, मिलता है। हाँ हाँ बराबर है, अगर कोई व्यक्ति आपको कहेंगे कि तुम्हारे को तकलीफ है कोई चिंता मत करो मैं आपके पीछे बैठा हूँ तो भी मोरल सपोर्ट मिलता है, मगर वो मतलब ऐसे व्यवहार में है, ऐसे अध्यात्म मोरल सपोर्ट मिलता है कि उनका कष्टदायक जीवन होते हुए भी वो अपना जो ज्ञान दर्शन है उसमें विचलित नहीं होते हैं, उस प्रकार का उनको। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, अभी अभी क्लैरिटी आ गई, वो तभी थोड़ा समझ में नहीं आता स्वामी जी, इसलिए क्लैरिफाई करना था। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ मोना गर्ग, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है स्वामी जी। कोई बात नहीं प्रश्न कीजिए। हाँ जी, वहाँ से डिसेबल्ड ऐसा आ रहा है। जय सच्चिदानंद स्वामी। नो प्रॉब्लम, जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो देव गति और नरक गति में स्मरण का जो है कंपलसरी, तो क्या वो प्रकृति की तरफ से वो ही उनकी भुगतान के लिए है, उनका पार्ट ऑफ सफरिंग है वो? मेरा प्रश्न, मैं आपका प्रश्न भी क्लियर नहीं समझ पाया। जाति स्मरण ज्ञान देव गति में और नर्क गति में प्रकृति की तरफ से कंपलसरी मिलता है, तो वो जो कंपलसरी पोर्शन, मतलब वो उनका सफरिंग के लिए ही कंपलसरी है? हाँ, सफरिंग के लिए, यू आर राइट, राइट। वो जातिकरण उनको होने से ही उनको वो पिछला उन्होंने क्या क्या किया तो वो उनको याद आने से उनको एक सफरिंग क्रिएट होती है, वही कारण होगा ना स्वामी जी? पुण्य की पाप की नरक लोक में, यस यस। हाँ, तो वो जो शास्त्रों में जैसे नरक गति में जो बॉडी को जो पीड़ा के और इस तरह के जो चित्र दिखाते हैं कि उनकी बॉडी को काटते हैं, जलाते हैं, तो स्वामी जी वो सब में कितना तथ्य है, क्या है उसका? बहुत सारे कष्ट होते हैं, इतना समझो, अभी डिटेल में अपने को जानने की जरूरत नहीं है। जी 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 जी। जो मनुष्य भव में या तो पशु योनि में भी भुगतान नहीं करते हैं, उससे भी भारी और मल्टीपाय पाप कर्म, दुख का कर्म की भुगतान नर गति में होती है। जी हाँ स्वामी जी। स्वामी जी एक प्रश्न और है, जैसे कि ये केवल दर्शन और केवल ज्ञान जो है, तो क्या कोई ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है कि उसको केवल दर्शन जिस वक्त हो उसी क्षण केवल ज्ञान भी हो जाए? क्या ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता है? नहीं कर सकते। अगर वो अपना घाती कर्म बहुत कम पैकेज में लाया हो तो अंदर केवल दर्शन हो जाए और उसी समय बाहर केवल ज्ञान भी हो जाए? नहीं, ये आपका जो प्रश्न है वो बराबर है, मगर आप सिद्धांत को समझोगे तो फिर आपका ये प्रश्न प्रश्न ही नहीं रहेगा। जी, जब केवल दर्शन होता है, जब केवल दर्शन होता है तभी केवल ज्ञान का बीज होता है, और कुदरत का कानून ये है कि जो बीज होता है उसका फल उसी अवतार में नहीं मिलता है, कोई भी प्रकार के बीज का मिनिमम वन बर्थ। अच्छा, इट इज कॉल्ड ए लॉ ऑफ नेचर, तो इसमें कहीं किसी का चलता नहीं है ना। बराबर, हाँ 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 स्वामी जी, तो सिद्धार्थ की मैंने बात कहा। जी जी जी, हाँ हाँ। तो कितने भी मिनिमम से मिनिमम अघाती कर्म हो तो भी एक बर्थ तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, मिनिमम वन बर्थ होता है। जी जी, मैक्सिमम दो या तीन होता है, बस मैक्सिमम दो या तीन होता है आपका केवल दर्शन। जी जी, ठीक है स्वामी जी। और कोई प्रश्न है? नहीं स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। लास्ट क्वेश्चन स्वामी। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एमपी चंद्रारी, उस एवरी इयर्स हमारे यहाँ ओटावा में एनुअल हिंदू हेरिटेज डे की सेलिब्रेशन होता है 24 अक्टूबर को, उसमें वर्चुअल ड्रामा डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद चार लोगों को चांस देना है बोलने का, हिंदू सनातन धर्म के लिए चांस लेने का है। अभी सिलेक्शन